अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं इमरजेंसी में ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है एक्चुअली मैं ट्रैवल में हूँ जैसे कि आप लोगों ने एक हाथ देखी भी होगी वीडियो लेकिन अभी जो मैंने अपडेट देखी है वो बहुत बुरी तरीकी कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए नफरी जो थी वहाँ पहुँच चुकी थी लेकिन उसके बाद बहुत सारे बयान हुए उनके सपोर्टरों ने उनको सपोर्ट भी किया इमरान खान के लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ है कि जो अतार ताड़न ने इंटरव्यू दिया है आके लाइफ जो मैंने पूरा अभी सुना और जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है इस्पेशली कि जी ये मम्मी डैडी बर्गर लोग तो जो इस वक्त मम्मी डैडी बर्गर लोगों का मुकाबला आम देसी बर्गर से हो रहा है जो मिठेले वाला बर्गर है उससे मुकाबला हो रहा लग रहा है क्योंकि अत ने उनमें औरतों का लिहाज नहीं किया उसमें जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की कि जी वहाँ पर गैर अखलाक की हरकत हो रही है क्या आपने अपनी आँखों से देखी है क्या आप अपनी माँ बहनों को आप भेजते हैं क्या आपकी बहने के आपको बताती हैं कि उनके साथ ये ज्यादा हुई है उसके बाद आपने कहा जी ये लोग ऐसे हैं नाजायज़ बेटी है लेकिन आप लोग सियासत करें किसकी जायज है किसकी जायज है इस चीज को हटा के इस वक्त सिर्फ मुल्क के लिए सोचे ना कि मुल्क के लिए हम लोगों को क्या करना है आप लोग अजीब घटिया लोग हैं मैं सारे लोगों को इंक्लूड करती हूं मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करती ये मैसेज तमाम पार्टियों के लिए है कि आप इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें कि मुल्क बेहतर कैसे होगा हम किस तरह से इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं महंगाई कहाँ जा रही है कौन सी हुकूमत आएगी जो हुकूमत मिलकर आवाम को रिलीफ दिलाएगी लेकिन अता ताड़ आपको तो मैं कहती हूँ दिल करता है ताड़ ताड़ बै कर दूं आपको तो इतने ताड़ बजाऊ आके कि आपको पता चल जाए क्योंकि मुझे दुख हुआ आपकी इस बात से आपकी भी बहनियां बहन या बेटियां हैं और यह बात कोई भी करेगा चाहे वो पीपल पार्टी का हो चाहे वो इमरान खान की पार्टी का हो चाहे वो कोई भी एक्स वाइजाजना एम क्यू एम सो का हो किसी का भी हो जो गैर अखलाक बात करेगा अपने इखलाक से गिरेगा मैं उसको इंसान नहीं मानती और आप लोग सियासत कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग किसी की नाजायज़ बेटियाँ गिनवा हैं जी पहले अपनी बेटी को तो कबूल करें बात ही आ जाती है अभी यहाँ पे मरीम ने बोला नवाज ने बोला कि जी मैं ऐसा हुआ था मेरा बाप आ गया था तो मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने अबू को बोले कि मुल्क इसमें मुश्किल हालात में है पाकिस्तान आए आपने इतनी ज़्यादा बातें कर दी इमरान खान पे इतनी ज़्यादा आपने एक किचड़ उछाल दी और पैर पढ़ के आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक, एक, एक दूसरे पर कर रहे हो तो ये नहीं सोचते होते तो इसका असर हम लोगों पर पड़ रहा है हम लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा टेंशन में है कि मुल्क किस तरह से सभलेगा यहाँ पे वसाइल नहीं है यहाँ पे पानी राशन गैस इसके बिल चुके बढ़ा दिए हैं आप लोग है, लो अपने कुत्ते वाली लड़ाई में लगे हुए हैं पर आप ये नहीं सोच रहे कि जो बंदा दस बीस पचास हजार कमा रहा है तो वो मर रहा है यहां पे दो चार लाख कमाने वाले मर रहे हैं और तो यहाँ पे तो फिर जो दस बीस पचास कमाता है उसकी जिंदगी कैसी गुजरेगी तो अतः ताड़ ताड़ आपसे मेरा ता� एक सवाल है आप सियासत करें ना आपने और अल्लाह ने आपको एक दाढ़ी का फ्राइज़ कर दिया आप दाढ़ी माशा आपने रखी हुई है आप शक्ल सूरज से भी माक़ूल इंसान रखते हैं समझदार इंसान रखते हैं तो आप सियासत से बात करें ठीक है उसकी जो भी चीज़ें हैं अगर उसने मदीना शरीफ गया मक्का शरीफ की जो भी घड़ी उन्होंने जी खा ली तो खाया तो आप लोगों ने भी था भागे तो आप लोग भी थे डिफ़ॉल्टर तो आप लोग भी थे भाई में आपके भी पर्चे थे नैब में आपके पर्चे भी थे पर वही बात है जब गवर्नमेंट जो अखदार में आती है वो अपने सारे किस्से माफ़ करा देती है और उसके बाद उनको बोलने का बोलने का हक़ मिल जाता है तो खुदा ना यहां पर आप लोग दोनों सब एक थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें थोड़ा इंसानियत का होकर सोचें हम लोगों का सोचें आप लोग ने अपने जो मछली बाजार लगा लिया कि वो तेरी हदूद या मेरी हदूद इस तरह तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होती होगी जिस वक्त हमारे इतारों में हमारे अपने हुक्मरान जो हम पे कहते हैं ना मुसलत हैं वो हम पे इस तरह नोच रहे हैं तो हम कहते थे जी फना की मिसाल देते थे इंडिया हमारा दुश्मन इंडिया खाक हमारा दुश्मन इंडिया हमारा दुश्मन नहीं हमारे दुश्मन आप लोग हैं हमारे दुश्मन आप लोग इसलिए हैं कि आप आप लोग घर आप लोगों को ये नहीं पता कि इस वक्त जितनी महंगाई का तूफान आया कि लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा कर मजबूर है गलत काम करने में मजबूर है गलत फेल करने में मजबूर है एक लड़की यहाँ पर अल्लाह ना करे अगर उसका घर नहीं चलता तो वो गलत काम कर रही होती है और मर्द अगर उसके घर में राशन नहीं डल रहा होता तो वो चोरी करने पर मजबूर है तो आई एम सो सॉरी मेरी बातें शायद आप लोगों को बुरी लगेंगी लेकिन ये तमाम पार्टियों के लिए जो पार्टियाँ पी के शायद बैठ गई हैं और उनको यह एहसास नहीं हो रहा कि वो हां एक बात भूल गई इमरान खान को नशा नहीं मिलेगा चर्च नहीं मिलेगी भाई कौन सा बंदा शरीफ है मुझे सिर्फ ये बता दो जिस बंदे को मौका नहीं मिला सिर्फ वो बंदा शरीफ है आप इल्ज़ाम लगा रहे आपके सौ बंदे इस तरह पकड़े गए तो वो लोग भी आप कीचड़ उछाल सकते हैं खुदा रस्ते की बातें ना करें उनके पर्सनल आप लोगों का जो भी है आप अपनी तक रखें लेकिन अभी इस वक्त आप हमारे मुल्क के लिए हुक्मरान हैं हमारे लिए आप वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बेहतर होंगी आप हमारे लिए एक ढाल है तो ढाल बने मैं क्या बोलूँ दलाल ना बने खुदा के लिए हमारे मुल्क को ना तोड़े हमारी चीज़ों को ना ख़राब करें ये इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था मैंने अचानक से वीडियो बनाई है और इसलिए बनाई है कि जो मैंने का ताड़ा ताड़ा डाड़ाड़ा आपका जो मैसेज सुना मुझे दुख हुआ मेरे आपसे कोई खिताफ नहीं है मैं एक आम की आवाज़ हूँ मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ हुकूमत गवर्नमेंट या आप लोग आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हो सब इम्पॉर्टेंट है तो क्या इस तरह की सियासत होगी किसी के माँ पे किसी की बहन पे किचड़ डाल के सियासत होगी किसी को नंगा करके सियासत होगी तो आप सोचें अगर आप आज किसी को नंगा कर रहे हैं कल आप भी अपनी पारी का इंतजार करें और इस वक्त यहाँ पे हम ने एक्सपोज करें ना इंजामात नहीं लगाए इंजाम दोनों पार्टियां लगा रही हैं हर पार्टी लगा रही होती है मज़ा तब है जो सबूत सामने लाए और जो सबूत सामने इमरान खान के लोग आपके लिए लाए मेरे ख्याल से वो बहुत है पूरी दुनिया में सब इमरान खान इमरान खान हो रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आपको तो लगता है कि नहीं शायद सब लोग गलत है हम लोग सही हैं तो अपना किबला खुदा के लिए आप तमाम लोग दुरुस्त कीजिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको छोड़नी पड़ती है कुर्सी एक दांत जान छोड़ना पड़ता है छोड़ दीजिए इज्जतें बचाइए हैं मुल्क बचाइए बस ये मैसेज है और आ, मुझे बड़ा दुख हुआ फिर कहूँगी जो मैंने मैसेज आज सुने इमरान ख़ान के लिए उनके लोगों के लिए स्पेशली माँ बहन बेटियों के लिए सुने कि जी वहाँ पे तो औरतों के साथ ये होता है फ़ला नाजायज हरकतें होती हैं तो दुख हुआ आपसे याद करें आप वो वाला बाजार गर्म ना करें जिसकी वजह से आपके ऊपर सवाल निशान उठे बहुत सारे लोगों के आपके ऊपर सवाल निशान हैं खैर माजर की बात बुरी लगी हो पर मेरे दिल में ये फीलिंग आई थी सो मैंने ये वीडियो बना दी थैंक यू